ग्वालियर में एक 25 साल की लड़की ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। लड़की ने सबसे पहले फूलबाग चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग फेंकी और गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद एक एक्टिवा सवार को रोककर उसकी गाड़ी छुड़ा ली, गाड़ी चलाने लगी, फिर गाड़ी छोड़कर एक कार को जबरन रोक लिया। कार में महिला मरीज थी, लेकिन ये सिर्फ ये लड़की कार की छत पर जा बैठी और वहाँ डांस करने लगी। करीब एक घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे में से एक पर पुलिस नदारद रही। जब हंगामा बढ़ गया तो फूलबाग पर धरना कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने लड़की को शांत कराया, पुलिस को बुलाकर युवती को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहा और सेंटर पॉइंट फूलबाग पर सोमवार शाम रफ्तार से ट्रैफिक गुजर रहा था। इसी बीच एक लड़की ने यहाँ ऐसी हरकत शुरू कर दी कि ट्रैफिक जाम लगा दिया। एक युवती अचानक बीच सड़क पर पहुंची और वहाँ निकलने वाले वाहनों से मारपीट करने लगी। युवती का हंगामा कुछ देर में हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। 25 साल की युवती ने चौराहे पर करीब एक घंटे तक ड्रामा किया और जमकर उत्पाद मचाया। युवती ने सबसे पहले एक कार सवार से मारपीट की, उसके बाद एक बुजुर्ग की एक्टिवा छुड़ाकर खुद बैठकर एक्टिवा चलाने लगी। थोड़ी देर के बाद में युवती ने सड़क पर लगे पुलिस के बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका। आखिर में युवती चौराहे से गुजर रही एक कार के ऊपर चढ़कर बैठ गई। इस कार में भिंड से एक महिला मरीज को जयारोग्य अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन युवती कार के ऊपर बैठ गई और लगभग 15 मिनट तक इस कार की छत पर बैठकर राहगीरों से गाली गलौज कर उन्हें धमकाती रही। हंगामा देखकर मौजूदा लोग, आशा कार्यकर्ता और महिलाओं ने इस युवती को पकड़कर नीचे उतारा। एक सवाल सभी के जहन में है कि आखिर युवती ऐसा कर क्यों रही थी। बता दें कि वो नशे की हालत में नहीं थी, बल्कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लोगों का ऐसा कहना है कि वो किसी सदमे के कारण ऐसा कर रही थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कहीं उसके साथ कोई घटना तो नहीं घटी है। कुछ सूत्र तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इस महिला का प्रेम प्रसंग खत्म होने के बाद में ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज। पीछे पीछे चलो, हम भी हैं। इधर भी पीछे, इधर भी। दो कार का निकल।